इस मूवी के शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक शटर नाम की जगह पर रहता था और शटर नाम की ही गाड़ी चलाता था। ये आदमी कोई आम आदमी नहीं था बल्कि एक किलर था जो जवान लड़कियों को किडनैप करके अपने घर में ले जाता था और उन्हें बांधकर बुरी तरह जान से मार देता था। और इस बात की भनक किसी को भी नहीं थी क्योंकि ये घर काफी सालों से बंद था और इस घर के आसपास कोई आता जाता भी नहीं था। ये आदमी सबसे पहले एक 5 साल के बच्चे को किडनैप करता है जिसका नाम मार्टिन था। मार्टिन को दरअसल एक बीमारी थी। उसे यह बीमारी थी कि उसके शरीर में कहीं पर भी कोई भी चोट लग जाती थी तो उसे मालूम नहीं चलता था। चोट ही नहीं बल्कि उसके शरीर के किसी भी अंग को अगर जानबूझकर काटा भी जाए तब भी उसे कुछ भी फील नहीं होता था। सबसे पहले ये किलर उस बच्चे को किडनैप करता है और अपने घर पर ले जाता है। घर ले जाने के बाद में वो किलर एक चाकू से मार्टिन के गाल पर एक निशान बनाता है और उसी के सामने एक जिंदा लड़की को जान से मार देता है। ये सब चीज देखकर मार्टिन थोड़ा बहुत घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो किलर उसको वापस पकड़कर उसी घर में बंद कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है सीधा 5 साल बाद। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिसन होता है। वो अपने अंकल के घर पर रहने आई है। उसके अंकल का घर शटर हाउस से कुछ ही दूर पर था। इससे पहले एलिसन अपनी फैमिली के साथ शिकागो रहा करती थी, लेकिन किसी कारण उसकी फैमिली की डेथ हो गई जिसके कारण उसे यहाँ पर आना पड़ा। एलिसन जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करती थी तो उसे रास्ते में शटर हाउस दिखाई देता था। तो एलिसन ने शटर हाउस के बारे में अपने चाचा से जानना चाहा तो उसके चाचा ने बताया कि वो बिल्डिंग काफी सालों से बंद है और वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। वहाँ पर एक आदमी रहता है एंड वो उसी का घर है और वो आदमी बाहर के लोगों से ज्यादा बात नहीं करता। फिर अगले सीन में मेलिसा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। वो अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जा रही होती है तभी वो किलर उस लड़की को किडनैप कर लेता है और किडनैप करके वो सीधा अपने उसी शटर हाउस में ले जाता है और वहाँ पर ले जाकर वो उसके हाथ बांध कर उसे लटका देता है। फिर अगले दिन मॉर्निंग में एलिसन वापस से वॉक के लिए जाती है तो वो देखती है कि शटर हाउस की खिड़की से एक बच्चा बाहर देख रहा होता है और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मार्टिन होता है। और मार्टिन की जैसे ही निगाह एलिसन पर पड़ती है वो वापस अंदर भाग जाता है और ये चीज देखकर एलिसन को बहुत अजीब लगता है। फिर एलिसन इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है और उसका एक बड़ी गाड़ी से एक्सीडेंट होते होते बच जाता है और इस हादसे में एलिसन को कुछ चोटें लगती है और वहीं पर उसे एक विली नाम का लड़का मिलता है जिसके पास में ही गैराज की एक दुकान थी और वो गाड़ियों को रिपेयर कर रहा था। फिर विली एलिसन की चोट पर पट्टी वगैरह करके उसे घर छोड़ देता है और इस बीच इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर अगले सीन में हम उसी किलर को देखते हैं जिसने मेलिसा को किडनैप किया हुआ था। उसने मेलिसा को ही नहीं बल्कि एक और लड़की को किडनैप किया हुआ था और वो मेलिसा के बगल में ही थी, लेकिन मेलिसा और वो लड़की एक दूसरे को नहीं देख सकते थे क्योंकि उनके बीच में एक लकड़ी की दीवार थी। बस वो दोनों एक दूसरे की आवाज सुन सकते थे। फिर वो किलर मार्टिन को अपने साथ में ले जाता है और मार्टिन के हाथों उस दूसरी लड़की को जान से मरवा देता है। फिर मार्टिन उसका खून करने के बाद में पूरी तरह घबरा जाता है और भागते भागते वो एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसे एक बड़ा सा पुतला दिखाई देता है जिसके सर पर बड़े बड़े सींग लगे होते हैं। तभी वो किलर भी आ जाता है और वो मार्टिन को पकड़कर उस पुतले से बोलता है कि सब कंट्रोल में है। और इस चीज से मार्टिन के दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि अगर मैं यहाँ से भागूंगा तो ये पुतला मेरे को भागने नहीं देगा और ये कोई पुतला नहीं है, ये एक इंसान है जो मुझे कभी भी जान से मार सकता है। फिर वो किलर मार्टिन को बड़े ही प्यार से ट्रीट करता है और यहाँ से ना जाने की बातें करता है और उसके दिमाग में ये बात भरने की कोशिश करता है कि जो तुम कर रहे हो मार्टिन वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो बल्कि सही है। फिर अगले सीन में हम एलिसन को देखते हैं जो कॉलेज से निकलकर सीधा विली के गैराज पर जाती है और विली से कुछ बातें करती है। तब उसे वहां पर पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई और उसके एक पापा है जो कि पूरी तरह शराबी हैं और वो भी व्हीलचेयर पर हैं। फिर एक दिन मार्टिन मेलिसा के पास में जाता है और उसका हाथ खोल देता है और मेलिसा वहां से भागने की बहुत कोशिश करती है। फिर जैसे किलर को ये बात पता चलती है कि मेलिसा वहां से भाग गई, वो उसे पागलों की तरह ढूंढने लगता है। फिर थोड़ी देर ढूंढने के बाद में मेलिसा उसे मिल जाती है और वो मेलिसा को बुरी तरह जान से मार देता है। फिर अगले सीन में हम एलिसन को देखते हैं जो इवनिंग वॉक करके आ रही होती है, तभी उसे रास्ते में विली मिलता है।
फिर विली एलिसन को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन दोनों के बीच में रोमांस होने लगता है। तभी वहां पर एलिसन के अंकल आ जाते हैं और वो एलिसन को जबरदस्ती अपने साथ में घर ले जाते हैं, क्योंकि एलिसन के अंकल को विली बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिसन को उसकी आंटी से ये पता चलता है कि विली की जो मम्मी थी उन्होंने आत्महत्या की थी, उनकी नेचुरल डेथ नहीं थी। ये सुनकर एलिसन का शौक लगता है क्योंकि विलियम ने एलिसन को बताया था कि उसकी मॉम की डेथ नेचुरल थी। फिर एलिसन का गुस्सा आता है और वो इस बात को क्लियर करने के लिए विलियम के घर पर जाती है। फिर वो विलियम से बातें कर ही रही होती है तभी विलियम के फादर आ जाते हैं और वो एलिसन को सुनाने लगते हैं। फिर एलिसन का वहाँ पर मूड ऑफ हो जाता है और वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। एलिसन जब नाराज होकर जा रही होती है तो रास्ते में शटर हाउस पड़ता है और जब उसकी निगाह शटर हाउस पर पड़ती है तो मार्टिन अंदर से देख रहा होता है। तो मार्टिन को देखकर एलिसन को थोड़ा सा अजीब लगता है एंड वो शटर हाउस के अंदर चली जाती है। एलिसन मार्टिन की हेल्प करना चाहती थी, उसे ऐसा लगता था कि वो वहाँ पर किडनैप है। एलिसन जब शटर हाउस के अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखती है। वहीं पर उसे कुछ किताबें और कुछ अखबार के टुकड़े मिलते हैं जिसमें ये मालूम पड़ता है कि मार्टिन लापता है। फिर एलिसन उस घर में बहुत कोशिश करती है मार्टिन को ढूंढने की, लेकिन मार्टिन उससे बच बच कर भाग रहा होता है और किलर भी इस टाइम पर घर में नहीं था, वो कहीं बाहर किसी काम से गया हुआ था। थोड़ी देर बाद किलर घर में वापिस आ जाता है और वो एलिसन को पकड़ लेता है, पकड़ कर उसके हाथ बांध देता है। एलिसन बहुत चीखती चिल्लाती है लेकिन उसकी कोई भी मदद वहां पर नहीं करता। फिर अगले दिन विलियम एलिसन को ढूंढते ढूंढते उसके घर पर जाता है और वहां पर उसकी अंकल और आंटी मिलते हैं। फिर एलिसन के अंकल विलियम से फाइट करने लगते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि एलिसन उसी की वजह से गायब हुई है। फिर उसके अंकल खुद ही एलिसन को ढूंढने निकल जाते हैं। वो सभी जगह ढूंढते ढूंढते शटर हाउस की तरफ भी चले जाते हैं। वो शटर हाउस के बाहर जाकर आवाज भी लगाते हैं लेकिन वो किलर अंदर से ही उनको गोली मार देता है और वो ऑन द स्पॉट खत्म हो जाते हैं। एलिसन बहुत चिल्ला रही थी इसलिए वो किलर एलिसन को एक वॉइस प्रूफ रूम में बंद कर देता है। वो रूम बहुत ही ज्यादा ठंडा था, वहां पर वो किलर लाशों के टुकड़े रखा करता था। फिर विलियम भी उसे ढूंढते ढूंढते शटर हाउस पहुंच जाता है और वो शटर हाउस के अंदर चोरी से चला जाता है और वो शटर हाउस के अंदर एलिसन को भी ढूंढ लेता है। वो एलिसन के कमरे का गेट खोल ही रहा होता है तभी पीछे से किलर आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और इस हमले में विलियम की जान चली जाती है। फिर वो किलर वहां से चला जाता है और वो मार्टिन से बातें करने लगता है एंड इधर एलिसन के कमरे में एक सरिया होता है और एलिसन उस सरिये से उस गेट को खोल देती है। थोड़ी देर बाद जब वो किलर वहां से बाहर जाता है तो एलिसन मार्टिन को अपने साथ वहां से लेकर भाग जाती है। बाद में जब वो किलर वापस आता है तो उसे मार्टिन नहीं मिलता और एलिसन भी वहां पर नहीं मिलती, तो किलर सीधा एलिसन के घर पर जाता है और वहां पर जाने के बाद उसकी आंटी को जान से मार देता है। एलिसन की आंटी की एक छोटी लड़की भी होती है। जब वो किलर उस लड़की को जान से मारने जा रहा होता है तभी वहां पर एलिसन आ जाती है। फिर एलिसन उस किलर को जान से मार देती है। फिर एलिसन उस लड़की को वहीं पर रोक कर जीने से नीचे आती है और फोन लेकर पुलिस को फोन करने लगती है। एलिसन पुलिस को फोन करते करते मार्टिन को ढूंढ रही होती है। मार्टिन एक कमरे में होता है। फिर जैसे ही एलिसन उस कमरे का गेट खोलती है अंदर से मार्टिन एलिसन को 2-3 चाकू और बुरी तरह मारता है एंड जो किलर था उसकी पूरी तरह जान नहीं गई थी और वो अपनी जान बचाते हुए सीधा शटर हाउस पहुंच जाता है एंड इधर मार्टिन पूरे घर को आग लगा देता है एंड उस आग में वो लड़की भी जलकर मर जाती है जिसे एलिसन ने रोका हुआ था। फिर जैसे ही किलर अपने घर पर पहुंचता है मार्टिन उसे भी जान से मार देता है। मार्टिन उस किलर को जान से मारकर उसकी हड्डियों का पुतला बना देता है एंड सेम वैसे ही रिएक्ट करने लगता है जैसे वो किलर किया करता था। फिर अगले दिन पुलिस आती है और वो जले हुए घर को देखकर ऐसा सोचती है कि घर में आग लग गई होगी एंड सारे के सारे जलकर मर गए होंगे। इतना सोचकर वो पुलिस वहां से चली जाती है और ये मूवी यहां पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।